हेलो फैमिली, तो मेरा नाम ऋतिक है, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टेकी। तो जैसा आपको पता है कि एक्सा अपने काफी सारे गेमिंग सेंट्रिक एक्सेसरीज मार्केट में लॉन्च करता रहता है, तो आज हमारे पास आया हुआ है एक्सा का एक लेटेस्ट गेमिंग माउस एक्सा EM100। प्राइसिंग की बात करी जाए तो 990 रुपए की प्राइसिंग है। इसका परचेजिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो अगर आप उसका यूज करते हैं तो थोड़ा कम प्राइस में आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप भी गेमिंग माउस लेने की सोच रहे हैं 1000 रुपीज के अंदर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बॉक्स पैकेजिंग अगर हम देखें तो बॉक्स के टॉप में एक्सा अर्गोनॉमिक गेमिंग माउस मेंशन किया गया है। EM100 इसका मॉडल नंबर है, यानी ये RGB माउस है। पीछे के पार्ट में भी एक्सा की ब्रांडिंग दी गई है, बट यहाँ पे थोड़ा ब्लैकआउट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे गेम एक्सटीरियर डिजाइन, 7 बटन डिजाइन, RGB ब्रेडेड रोप, अर्गोनॉमिक ग्रिप, 8K DPI ऑप्टिकल सेंसर। प्राइसिंग यहाँ पर मेंशन करी गई है 1999 रुपए। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले है इसकी यूजर मैनुअल। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इसका काफी अच्छा है, बिल्ड वाइज मुझे काफी अच्छा लगा। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में टेक्सचर्ड फिनिश इसमें दी गई है, जिससे ग्रिप काफी अच्छी मिलती है। लेफ्ट पार्ट में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन भी दिया गया है। टॉप पार्ट में इसका व्हील है, DPI बटन जिससे आप इसके DPI सेट कर सकते हैं 800 to 8000, RGB कंट्रोल स्विच। बॉटम पार्ट में इसका लाइट सेंसर है। ब्रेडेड केबल इसमें दी गई है, तो क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है, एंड काफी लंबी केबल इसमें दी गई है। वेट इसका हम चेकआउट कर लेते हैं, तो वेट है इसका 127 ग्राम। तो माउस मुझे ओवरऑल काफी अच्छा लगा, बिल्ड इसकी काफी अच्छी दी गई है, पाम रेस्ट भी इसका ठीक है। तो अगर आप लंबे तक गेमिंग करते हैं या कोई वर्क करते हैं तो आपके पाम में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इसके टॉप में DPI का एक बटन दिया गया है, जिससे आप इसकी DPI को चेंज कर सकते हैं। 800 से लेके 8000 DPI तक आप इसे चेंज कर सकते हैं सिर्फ सिंगल क्लिक में। तो इसमें 6 मोड्स ऑफ RGB दी गई है, तो डिफरेंट पैटर्न्स में आप RGB को चेंज कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हैं। गेमिंग के अलावा मैंने वीडियो एडिटिंग भी इसमें करी एंड अदर वर्क के लिए भी इसे यूज करा। तो ओवरऑल माउस काफी अच्छा है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप गेमिंग के लिए या किसी अदर वर्क के लिए माउस लेने की सोच रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा वीडियो, तो आपको माउस कैसा लगा, क्या आप इसे परचेज करना पसंद करेंगे? एंड इससे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।